क्या आप जानते हो आपके ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन जितने तारे ब्रह्मांड में है ना, उतने रेत के कण पृथ्वी पर नहीं होंगे। बिग बैंग से निकले इस यूनिवर्स ने 1380 करोड़ साल की यात्रा पूरी कर ली है। इस वक्त हमारे पृथ्वी पर मनुष्य की औसत आयु है 79 ईयर्स, जो कि इस ब्रह्मांड और आकार और समय यात्रा के सामने बहुत ही छोटी है। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं कल जो हमारे साथ हुआ था उसका मेंटल इफेक्ट आज के दिन पर जरूर पड़ता है। कल का दिन बेकार हुआ था या अच्छा हुआ था, इसके आधार पर हम सुबह सुबह आज का दिन कैसा होगा पहले ही सोच लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि समय की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, जो एक बार चला गया तो वह सिर्फ यादों के रूप में हमारे दिमाग में रहता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि हम अपने बीते टाइम की वजह से आज के वक्त में ठीक से काम नहीं कर पा रहे। ये मेरे नजरिए में बिल्कुल गलत है। हम बीते हुए वक्त की वजह से नहीं, बल्कि बीते हुए वक्त में हमने जो काम किए थे उसका परिणाम भोग रहे हैं। और अगर आज ये वक्त किसी बुरे काम में लगा दिया या इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, तो आने वाले टाइम में यही आपके कर्म आपके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था कि समय भी एक चाल से नहीं चलता। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर समय का भी कोई मीनिंग नहीं रहता, उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है या उसकी चाल भी बदल जाती है, जैसे कि ब्लैक होल, जहाँ पर जाकर समय और प्रकाश का भी अंत हो जाता है। सेम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे डेली लाइफ में भी अप्लाई होती है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम दुखी होते हैं तो समय मानो रुक सा जाता है, और जब हम खुश होते हैं तो समय मानो दौड़ने लगता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। और इस तरह से आप अपने इमोशन की वजह से अगर समय की चाल से छेड़छाड़ करोगे तो सेम ब्लैक होल वाला आपका भी हाल हो जाएगा, क्योंकि अपने दुखों को दिल से लगाओगे तो वहां से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर बहुत ज्यादा खुश रहोगे तो यार कब तक रहोगे, एक दिन उसका भी अंत होगा और फिर से दुख सुख होगा। इस चक्कर से बाहर निकलना है, एक इमोशनली मेंटली स्टेट होनी चाहिए। जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हो, कल क्या हुआ था या कल क्या होगा, ये थॉट्स दिमाग में आना नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरा यकीन मानो, आपका पास्ट या फ्यूचर आपका ना तो कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही आपका कुछ बना सकता है। अगर आपकी जिंदगी की संपूर्ण ताकत किसी चीज में है ना, तो वो है आपका प्रेजेंट। वो प्रेजेंट जिसमें बैठकर अभी आप काम कर रहे हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप हमेशा रहते हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप अभी आलस करते हो, रोते हो, गलत काम करते हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप खुद में जागने की बजाय इस बाहरी दुनिया की तरफ जागते हो। वापस चलते हैं अपनी ब्रह्मांड की तरफ, क्योंकि वहीं से अपनी उत्पत्ति हुई थी। समय कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा? बिग बैंग से पहले समय का कोई एक्सिस्टेंस नहीं था, और जब यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा तब भी समय का कोई एक्सिस्टेंस नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम पैदा नहीं हुए थे तब हमारा कोई टाइम एक्सिस्ट नहीं करता था, और जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद भी हमारा टाइम एक्सिस्ट नहीं करेगा। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। लगभग हर 100 साल में दुनिया की पूरी पॉपुलेशन नई पॉपुलेशन के साथ रिप्लेस हो जाती है। सबका टर्न आता है और चला जाता है, और जिसको कुछ करना होता है ना, वो हमारे प्रेजेंट में रहकर ही कर चला जाता है, आज और इसी वक्त में करके चला जाता है। ये लाइफ इल्यूजन है या रियलिटी, इसका तो पता नहीं, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में हमारे पास जीने का एक ही समय है, वर्तमान। इसी वर्तमान में ताजमहल बनाया गया था, लाल किला बनाया गया था, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, इंसानियत के हर बड़े बड़े काम इसी वर्तमान में हुए थे। अगर अपने इतिहास को किसी यादगार लम्हे में बदलना चाहते हो ना, तो प्रेजेंट में जीना सीखो। आज के वक्त में सबसे जरूरी चीज यही है कि हम अपने हर तरह से वर्तमान में दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने और साल दर साल अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। ये जो आपको वक्त मिला है ना, आपको उसमें दुनिया की बदल देने वाली ताकत है, और आप तो इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो। ये पृथ्वी हमारे गैलेक्सी के सामने और हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स के सामने एक कण के बराबर है, इसलिए अपने मन पर ज्यादा बोझ ना ले। चीजें ऐसी ही चलती है, जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट में फील नहीं कराओगे तब तक आप अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे। अगर कोई महान राजा जिस वक्त युद्ध लड़ रहा होता है ना, और उस वक्त अगर वह युद्ध को छोड़कर यह सपना देखता है कि यार मैं जीत जाऊंगा, तो हो सकता है वह युद्ध में ही मारा जाए, क्योंकि उसका ध्यान उस समय के युद्ध में ना होकर फ्यूचर पे होगा। इस जिंदगी को भी अपनी बुरी आदतों से, बुरी एक्सपीरियंस से, अपनी चुनौतियों से एक युद्ध मानकर चलो, और इस युद्ध में आपका एक छोटा सा और बड़ा ही प्यारा सा एक हथियार है, स्माइल, मुस्कुराहट हर चीज को,
हर लम्हे को गले को लगाकर स्माइल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, अपनी प्रेजेंट में ध्यान देते जाओ। तो उठो आज और इस वक्त की कीमत पहचानो। आज इसी वक्त कुछ ऐसा करो कि उससे अपने फ्यूचर की आधारशिला अपने आप रखी जाए। अब पास्ट और फ्यूचर में बाउंस करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है सिर्फ वर्तमान में मेहनत करने की। जय हिंद, वंदे मातरम।